guys. Myself ईशा पानेरा from वडोदरा. मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरी चैनल का नाम है ईशा का जायका. तो आज अमूल ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है तो मैं आपके सामने सबके फेवरेट और एकदम इनोवेटिव रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. इससे पहले थैंक्स टू अमूल जिसने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और जो हमारे जैसे होम शेफ को ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं. के लिए लाई हूं पिज्जा पानी पूरी और इस पिज्जा पानी पूरी को टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहां पर यूज किया है अमूल की प्रोडक्ट्स, जिसमें है मिल्क है, ये टेट्रापिक मिल्क है, फ्रेश क्रीम, पिज्जा चीज है, प्रोसेस चीज है, बटर है और चीज स्लाइस है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चीज सॉस बनाएंगे. चीज सॉस के लिए यहां पर लिया है मैंने ये बटर है, मिल्क है, चीज स्लाइस है, मैदा है और फ्रेश क्रीम. पहले गैस ऑन करते हैं. यहां पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है. बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए इसके साथ हम लेंगे 1/2 टेबलस्पून मैदा और इसको कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे. इसको सिर्फ 10 सेकंड तक ही स्टर करना है. अब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे इसमें बबल्स आने लगेंगे. देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारा मैदा अच्छे से कुक हो गया है. अब इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क और इसको कंटिन्यूअसली स्टर करना है ताकि इसमें लम्स ना हो. थोड़ी ही देर में ये थिक हो जाएगा. अब थोड़ा मिल्क और डालेंगे. टोटल इसमें मैंने 1 कप मिल्क ऐड किया है. अब इसमें 1 बॉईल आने लगेंगे. फ्रेंड्स, मैं कई सालों से अमूल की प्रोडक्ट यूज कर रही हूं और एंड बिलीव मी, अमूल की हर एक प्रोडक्ट इतनी टेस्टी और इतनी यूजफुल है कि आपकी रेसिपी को और भी टेस्टी बना देती है. इसमें 1 बॉईल लेंगे. देखिए अब ये थोड़ा ठीक हो गया है. ये चीज स्लाइस है उसको हम रैंडमली तोड़ के ले लेंगे. अगर यहां पर आपके पास चेदार चीज है तो आप वो भी ले सकते हैं. यहां पर हम
दो चीज स्लाइस डालेंगे और प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं जो क्यूब में मिलता है। सुपर। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये एकदम गाढ़ा हो गया है, देखिए। अब इसको ठंडा करने के लिए साइड पर रख देंगे। अब हम बनाएंगे पिज्जा पानी पूरी का पानी। उसके लिए हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे वन टेबलस्पून बटर, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। उसके बाद डालेंगे हाफ कप ऑनियन, ये स्प्रिंग ऑनियन भी है और ड्राई ऑनियन भी है। इसको ज्यादा सौते नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा स्टर करना है। अब इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, तीन टमाटर। टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये पानी पूरी ना इतनी टेस्टी बनती है कि एक बार आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उसका पिज्जा फेवरेट है और पानी पूरी तो सबकी फेवरेट होती है। इसके साथ जाएगा ये बेजिल लीव है, आपके पास स्वीट बेजिल लीव है तो वो भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे तो ऑफिस से खाने को मन कर रहा है। और थोड़ा सा पानी। जब तक हमारे टमाटर थोड़े नरम ना हो जाए तब तक इसको हम कुक करेंगे। देखिए, ये अभी से बॉईल होने लगा है। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसको थोड़ा कलर देने के लिए हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर।
पहनती हूँ क्योंकि कश्मीरी रेड चिली पाउडर ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है। देखिए ये अब थोड़े नरम हो गए हैं, अब इसमें पानी डालेंगे, हाफ कप पानी डाला है। अब इसको हम बॉईल करेंगे सिर्फ एक मिनट तक। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? अगर कुछ नेटवर्क इश्यू हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब ये हमारा पिज्जा सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम जो रेडी पिज्जा सॉस मिलता है वो ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। ये लिया है, ये रेडी मैंने लिया है सिर्फ 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। अब इसको कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने तक वेट करेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बना लेंगे पिज्जा पानी पूरी का यम्मी सा फिलिंग। उसके लिए एक पैन लेंगे, फिर उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बटर। बटर मेल्ट हो जाए उसके बाद डालेंगे, यहां पर मैंने बेल पेपर लिए हैं, ये 3 कलर के कैप्सिकम है, रेड येलो एंड ग्रीन। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। इसको ज्यादा कुक नहीं करना है, थोड़े चमके रखना है। इसके साथ डालेंगे अमेरिकन मकाई। ये अमेरिकन मकाई है जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये होममेड चिली फ्लेक्स है। इसका वीडियो मेरी चैनल पर मैंने शेयर किया है तो आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा ओरिगानो, बस इसका जो रॉनेस है कैप्सिकम का वो थोड़ा चला जाए तब तक ही इसको कुक करना है, नियर अबाउट 1 to 2 मिनट। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून
मोजरेला चीज. इसको फ्लेम ऑफ कर ही डालना है. देखिए अभी से ये पिघलने लगा है. सुपर. अब एक बाउल में निकाल लेंगे. फ्रेंड्स, अमूल के चीज में और उसके बटर में जो बात है वो किसी में नहीं है. मेरे घर पे ज्यादातर अमूल बटर ही यूज करते हैं और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि अमूल है वो हमारे इंडिया से रिलेटेड है. इंडिया को, इंडिया की कंपनी है. जो हमने पिज्जा सॉस बनाया था और चीज सॉस, उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने तैयार करके रखा है. देखिए एक मिनट, मैं ये हटा लेती हूँ. देखिए ये पिज्जा सॉस है और उसके साथ मैंने चीज सॉस मिक्स किया है और फिर इसको छन्नी में छान लिया था. इसको ठंडा करके क्रश किया है और उसके बाद छन्नी में छान लिया है. इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये हमारा पानी पूरी का पानी रेडी है. चलिए अब फिलिंग बनाते हैं. फिलिंग के लिए इसके साथ हम डालेंगे, इसमें मैंने ऑनियन ली है जो एकदम कच्ची है, इसको हमें कुक नहीं करना है. थोड़े से पाइनएप्पल लिए है और कोरिएंडर यानी कि धनिया, इसको हम डाल देंगे. मिक्स कर देंगे. वाओ सुपर. इसके साथ जाएगा थोड़ा सा नमक. आफ्टर ऑल पानी पूरी है तो चाट मसाला तो जाएगा. अब डालेंगे फ्रेश क्रीम. ये 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है, इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे. थोड़ा सा प्रोसेस चीज, ये अमूल का चीज यूज किया है, नियर अबाउट 1 क्यूब. सुपर. चीज के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, अब जितना चाहो डाल सकते हो.
और हमने इसमें मोजरेला चीज डाला था, तो इसका स्ट्रेची टेक्सचर आप देख सकते हैं। सुपर। अब हमारी दुकान ऑलमोस्ट रेडी है, यानी कि चाट में हमें छोटी छोटी कितनी सारी आइटम्स हम बनाते हैं तभी उसका टेस्ट अच्छा मिलता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूं। मैंने यहां पर पूरी ली है जो हम पानी पूरी में लेते हैं। देखिए इसमें दो तरह की पूरी मिलती है, ये लाल पूरी बोलते हैं जिस जो सिर्फ सूजी से बनी होती है, और दूसरी जो हम नॉर्मल लेते हैं। ये पानी पूरी को मैंने पहले से ही होल करके रखा था। अब इसको गार्निश करेंगे। थैंक यू सोनल। पानी पूरी है होती ही ऐसी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। हाय एकता, हाय रिंकू, हेलो हेलो गाइस। नहीं, टोमेटो सिर्फ 3 ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमने इसमें पिज्जा सॉस डाला है, नहीं तो टोमेटोस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि पानी थोड़ा सा हमें लिक्विड ही चाहिए, इसी वजह से हमने एक्स्ट्रा टोमेटो डाले हैं। अब हम फिलिंग को स्टफ कर लेंगे। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस फिलिंग का यूज करके आप टोस्ट भी बना सकते हैं। ऐसी कई सारी रेसिपीज जो इनोवेटिव है और इंस्टेंट है वो मैंने मेरी चैनल पर शेयर की है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सोनल मैम पूछ रहे हैं कि सिर्फ मोजरेला चीज ही यूज करें फिलिंग में या कोई और भी चलेगा? हाँ, क्योंकि हमने प्रोसेस चीज ऑलरेडी डाला हुआ है, तो चीज सॉस में अगर आप चेदार सॉस चेदार चीज लेते हो तो आप मोजरेला की जगह प्रोसेस चीज डाल सकते हैं। आपको पानी पूरी कितनी अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना है। और इसमें मैंने पाइनएप्पल का यूज किया है जो थोड़ा खट्टा है थोड़ा मीठा है, तो एकदम टैंगी टेस्ट आएगा जो बहुत अच्छा लगता है। तो आप मेक श्योर कि अगर आपके पास पाइनएप्पल हो तो पाइनएप्पल ही डालना। इटालियन के साथ मैंने थोड़ा रशियन टच भी दिया है। वैसे पास्ता तो हम खाते ही हैं, तो आपके बच्चों को और आपको ये पानी पूरी जरूर पसंद आएगी।
ये छोटी भूख का ऑलराउंडर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हमारी पानीपुरी की फिलिंग हो गई है। अब इसमें डालेंगे, पानी पूरी है तो ग्रीन चटनी तो जाएगी। ये ग्रीन चटनी है जो हम धनिया पुदीना के बनाते हैं वही वाली। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और आप सोच रहे होंगे ये पुदीना की चटनी इतनी ग्रीन क्यों है, तो उसका वीडियो मैं जल्द ही अपनी चैनल पर अपलोड करने वाली हूं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब डालेंगे थोड़े से पाइनएप्पल, और हमारा तैयार किया हुआ चीज सॉस। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप, ज्यादा थिक नहीं लेना है और ज्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, हम अलग से इसको पॉर कर सके इतना ही लेना है। सुपर। आप इसमें कौन सा इनोवेशन कर सकते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिसेस दिव्या पूछ रही है ये जो अभी आपने सॉस डाला वो किससे बना हुआ है। दिव्या जी इसमें मैंने मेरे आगे का वीडियो देखेंगे आप थोड़ा रिवाइंड करके, तो इसमें मैंने पिज्जा सॉस बनाया है और चीज सॉस, वो दोनों जब ठंडा हो जाए उसके बाद उसको मिक्सर में क्रश कर लिया था और फिर छन्नी में छान लिया था। अब जाएगी प्रोसेस चीज। चीज डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा फेवरेट है, और चीज किसका फेवरेट नहीं होता, और उसमें भी अमूल का चीज हो तो बात ही अलग है। एक और डालूंगी, सुपर। इसका लुक देख रहे हैं आप कितना अच्छा लगता है। अगर आपको तीसरा डालना हो तो डाल सकते हो। अब थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन,
ये रेसिपी ना फ्लेवर का ब्लास्ट होगा क्योंकि अंदर इतना टेंगी टेस्ट आएगा इसका। अब डालेंगे इसको, गार्निश करेंगे ऑलिव से। अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन चीज जरूर डालना और वो भी अमूल का। ऑलिव्स हेल्थ के लिए भी इतने अच्छे हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। सुपर। आपको अगर ज्यादा तीखा पसंद है तो ज्यादा डाल सकते हैं। और हमारा व्हाइट सॉस, सॉरी चीज सॉस। चीज सॉस बनाते वक्त मैंने ये थोड़ा सा अलग रखा था, उसको रफली स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से ड्रिजल कर सकते हैं और एज ए डिप भी आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह से थोड़ी सी ड्रिजल करेंगे हमारी ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी मेरी मोनोपोली है, ये कुछ एक्स्ट्रा है जिसे देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सोनल मैम कह रही है मुंह में पानी आ गया। आ जाओ सोनल यहां पर। एकता मैम भी कह रहे हैं आई एम कमिंग। हाँ, आपके बर्थडे की ट्रीट हो जाएगी। थोड़ा सा पिज्जा सॉस, पिज्जा कम चीज सॉस। मिस श्रुति कह रहे हैं प्लीज स्विगी इट सो यम। ओ श्योर, प्लीज सेंड योर एड्रेस। थोड़ा सा कोरिएंडर, ये ऑप्शनल है, आपके पास सैलरी है तो वो भी डाल सकते हैं। पिज्जा में हम जो भी डालते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो तैयार है हमारी यमी डिलीशियस पिज्जा पानी पूरी। आप सोच रहे होंगे इसका पानी कहाँ गया, वेट, किसी ने अब तक पूछा नहीं ये बाउल क्यों था। देखो आपको गार्निशिंग भी सिखा दिया, ये रहा हमारा पानी पूरी का पानी। तो तैयार है हमारी पिज्जा पानी पूरी। हमारी पूरी पानी पूरी अमूल के बगैर अधूरी है। इसमें जितना भी फ्लेवर, जितनी भी फ्लेवर है, जितना भी टेस्ट है वो अमूल से ही है। तो मैं वंस अगेन अमूल को थैंक्स बोलना चाहूंगी, अमूल की होल टीम को, जिसने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पे जरूर ट्राई करना। देखिए लग रही है ना एकदम यम्मी, तो आप इसको घर पे जरूर ट्राई करना। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच मुझे वर्चुअली सपोर्ट करने के लिए।
चलिए मिलते हैं, और मेरी चैनल ईशा का जायका को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ आप जब भी ये पानी पूरी बनाओ तो अमूल की प्रोडक्ट यूज करना, क्योंकि अमूल इज द बेस्ट और अमूल इज द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया, जो एकदम प्राउड की बात है, तो आप ये जरूर करना। चलिए बाय बाय।